Morning students, today our subject is computer. Previous lecture में हमने draw shape तक study किया था, okay? सारे shapes के बारे में हमने study कर लिया था, okay? So, आज के lecture में हम start करने वाले हैं rectangle, okay? On the home tab in a shapes group click a ready-made shape such as rectangle. आपको मैंने बताया था कि computer में insert में आपको सारे शेप्स दिए जाते हो, ओके, रेक्टेंगल शेप है, ट्रायंगल, स्क्वायर, एलिप्स, सर्कल, पॉलीगन, ये सारे टूल, ये सारे शेप आपको दिए जाते हैं, ओके, तो आप उस हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं. तो सो ऑन द होम टैब इन द शेप्स ग्रुप क्लिक अ रेडीमेड शेप सच एज रेक्टेंगल. आपको क्या करना है, रेक्टेंगल के लिए रेडीमेड शेप दिया गया, उसके आपको क्लिक करना है, ओके. टू एड रेडीमेड शेप ड्रैग द पॉइंटर अक्रॉस द ड्रॉइंग एरिया टू मेक शेप. आपको क्या करना है, क्लिक करना है रेडीमेड शेप पर और आपको ड्रॉ करना है जहाँ पे आप कर्सर रखते हो वहाँ से आपको ड्रैगिंग करना है, ओके. ड्रैग द पॉइंटर अक्रॉस द ड्रॉइंग एरिया टू मेक शेप, ओके. आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया गया है, ओके. टू चेंज द आउटलाइन स्टाइल इन द शेप्स ग्रुप क्लिक आउटलाइन एंड द क्लिक आउटलाइन स्टाइल. इफ़ यू डोंट वांट योर शेप टू हैव एन आउटलाइन, क्लिक नो आउटलाइन. आपको क्या करना है, आउटलाइन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर दिया गया आपको, ठीक है. रेक्टेंगल बना है वहाँ पे, थोड़े से डॉट डॉट जैसे आपको लाइन दिख रही है, थोड़ी सी रेड कलर जैसी होगी, तो वो आउटलाइन है उसकी, ओके. तो आउटलाइन बनाने के लिए आपको आउटलाइन पर क्लिक करना होगा, ओके. फिर आउटलाइन स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या आउटलाइन बन जाएगी. आपको उसके आउटलाइन का आपको कलर भी चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आउटलाइन चाहिए, उस तरीके से आपको अपना आउटलाइन भी चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर शेप टू हैव एन आउटलाइन, क्लिक नो आउटलाइन. अगर आपको अब आउटलाइन नहीं चाहिए, नहीं करनी है, तो आप नो आउटलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, ओके. इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर वन एंड देन क्लिक अ कलर फॉर द आउटलाइन. मैंने आपको जैसे बताया ग्रुप कलर में जाके आप कलर चूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए, ओके. इन द कलर्स ग्रुप क्लिक कलर टू एंड देन क्लिक कलर टू यूज टू फिल द शेप. आप शेप को फिल करने के लिए भी आप कलर चूज कर सकते हैं, ओके. टू चेंज द फिल स्टाइल इन द शेप्स ग्रुप क्लिक फिल एंड देन क्लिक अ फाइल स्टाइल. इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर शेप टू बी फिल्ड, क्लिक नो फिल. अगर आपको शेप को फिल करना है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, फिर आप कलर चूज करके कलर कर सकते हैं, तो शेप का कलर हो जाएगा, ठीक है. पर अगर आपको कलर फिल नहीं करना है तो आप नो कलर फिल नहीं भी कर सकते, ओके. नेक्स्ट है ट्राइंगल. क्लिक द ट्राइंगल टूल, सिलेक्ट द लाइन कलर, क्लिक एंड ड्रैग द कंप्यूटर माउस इन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. ड्राइंग एरिया में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है ट्राइंगल. जैसे सेम प्रोसेस जैसे हम रेक्टेंगल शेप चूज किया, वैसे ही आपको ट्राइंगल शेप चूज करना है, ओके. आपको रेडीमेड मिलता ही है, आपको सिर्फ क्लिक करके उसको चूज करना है और ड्रॉ करना है, ओके. नेक्स्ट है स्क्वायर. क्लिक द रेक्टेंगल टूल, सिलेक्ट द लाइन कलर, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की विल ड्रैगिंग द माउस टू ड्रॉ अ स्क्वायर. आपको स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, आपसे रेक्टेंगल टूल को क्लिक करना होगा, ओके. और प्रेस होल्ड डाउन शिफ्ट की दबाते हुए आपको ड्रॉ करना है, ओके. इस तरीके से ड्रैग करना है लाइन को जिस तरीके से स्क्वायर बन जाए, ओके. अब नेक्स्ट है इलिप्स. क्लिक द इलिप्स टूल, ये भी आपको रेडीमेड मिल जाता है. सिलेक्ट द लाइन कलर एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर इनटू द ड्राइंग एरिया. क्लिक एंड ड्रैग द कंप्यूटर माउस टू ड्रॉ एन इलिप्स. सेम प्रोसेस करना है जिस तरीके से आप उसमें रेक्टेंगल शेप के लिए, स्क्वायर शेप के लिए, ट्राइंगल शेप के लिए आपने किया, ओके. अब नेक्स्ट है सर्कल. सर्कल द इलिप्स टूल, सिलेक्ट द लाइन कलर एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्रॉइंग एरिया. प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की वायर ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ अ सर्कल. जिस तरीके से आपने स्क्वायर बनाने के लिए कैसे शिफ्ट की को दबा के ड्रैगिंग किया था स्क्वायर बनाने के लिए, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है. शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की वायर ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू ड्रॉ अ सर्कल, ओके. सेम करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल, स्क्वायर, एलिप्स और सर्कल ड्रॉ किया गया है, ओके. इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हो, ओके.
नेक्स्ट है यूजिंग पेंट टूल्स. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर टूल्स ऑफ पेंट्स. अब अपने किस तरह से ड्राइंग करना है वो तो आपने स्टडी कर लिया. ओके सो अब हम स्टडी करेंगे यूजिंग पेंट टूल्स सम मोर टूल्स फॉर ऑफ सॉरी सम मोर टूल्स ऑफ पेंट. ओके सो ये कौन सा है? पॉलीगॉन टूल. द पॉलीगॉन टूल इज यूज टू ड्रॉ क्लोज शेप विथ मोर देन टू साइड्स. With this tool, we can draw only one side of the polygon at time. To draw a polygon, follow the shapes shown in figure. अब polygon shape करने के लिए किस तरह यहाँ पर जो steps दिए गए उसको follow करना है. Okay? तो first है click on the polygon tool in the shapes group. Shape के group में जाके आपको कौन सा shape choose करना है? Polygon shape choose करना है. Okay? फिर next है drag the pointer and draw a straight line. आपको पॉइंटर रखे कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए. आप पे देख सकती है इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है वैसे ही आपको ये पे ड्रॉ करना है. ओके अब थर्ड है क्लिक एट ईच पॉइंट वेयर यू वांट एडिशनल साइड्स टू अपीयर. आपको एडिशनल साइड अगर आपको दूसरा कुछ शेप बनाने के लिए ड्रॉ करना है तो आप क्लिक ईच पॉइंट वेयर यू वांट एडिशनल साइड टू अपीयर. आप वहाँ से पॉइंटर से वहाँ पे ड्रैग कर सकते हो के लाइन को. फिर फोर्थ है कनेक्ट द लास्ट लाइन टू द फर्स्ट लाइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगॉन एड टू क्लोज द शेप. देख सकते हैं आप इस पिक्चर में किस तरीके से शेप बना है. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड डॉट दिखाया गया है पॉइंट वहाँ से आप दूसरी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं. ठीक है फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन करने के बाद आपको फिर से वो शेप चूज करना है. फिर से लाइन ड्रॉ करनी है. फिर तीसरी बार भी फिर से शेप चूज करना है. फिर से लाइन करनी है. ओके तो इस तरीके से करके आप अपने हिसाब से अपना मनपसंद शेप बना सकते हो. ओके तो आप यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह के शेप 1 2 3 4 5 6 7 8 किस तरीके से लाइन को कनेक्ट किया गया है. ओके पॉलीगॉन शेप बनाने के लिए अब रिमेंबर आपको हमेशा ये बात याद रखनी है वी कैन ड्रॉ पॉलीगन विथ एज मैनी साइड्स एज वी वॉन्ट. आप अपने हिसाब से बहुत सारे उसके साइड्स बना सकते हैं. वी शुड मेक श्योर दैट द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर हमेशा कनेक्ट होने चाहिए. ओके वी शुड प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस बटन टू ड्रॉ स्मूथ लाइन. आपको क्या करना है लाइन बनाते वक्त आपको शिफ्ट की दबाए रखनी हो कि प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस बटन टू ड्रॉ स्मूथ लाइन्स. ओके ये हमेशा आपको याद रखना है रिमेंबर करना है. ओके फिर नेक्स्ट है कर्व टूल. अब ये कर्व टूल क्या है? द कर्व टूल इज यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्ड एंड वेवी लाइन्स. टू ड्रॉ कर्व्ड लाइन फॉलो द स्टेप्स शोन इन फिगर. आपको क्या करना है कर्व लाइन बनाने के लिए वेवी लाइन बनाने के लिए यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उसको फॉलो करना है. ओके तो आप इस कर्व लाइन या वेवी लाइन आप बना सकते हो. ओके तो फर्स्ट क्या है क्लिक ऑन द कर्व टूल इन द शेप्स ग्रुप. फिर सेकेंड है ड्रैग द पॉइंटर एंड ड्रॉ अ लाइन. ड्रैग अ पॉइंटर एंड ड्रॉ अ लाइन. ओके फिर थर्ड है क्लिक एंड ड्रैग द माउस एनी वे ऑन द ड्रॉइंग एरिया टू कर्व द लाइन. आपको क्या करना है क्लिक करना है माउस को. क्लिक एंड ड्रैग द माउस. क्या करना है क्लिक एंड ड्रैग द माउस एनी वेयर जहाँ भी आपको कर्व करना है. ओके लाइन को कर्व बनाना है वहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक एंड ड्रैग द माउस. ओके अब नेक्स्ट है रिपीट द क्रॉस प्रेसिडिंग स्टेप्स ऑन अनदर पॉइंट टू मेक अनदर बैंड. रिलीज द माउस बटन टू फिनिश. अनदर पॉइंट टू मेक अनदर बैंड. आपको अलग जहाँ पे आपको वेव बनाना है माउस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है. ओके और फिर ड्रैग द माउस. ओके क्लिक एंड ड्रैग द माउस करना है जिसकी वजह से आपको कि आपकी वेव बन जाएगी. ओके कर्व बन जाएगी. कर्व लाइन बन जाएगी. वेवी लाइन बन जाएंगी. एंड देन रिलीज द माउस बटन टू फिनिश. फिनिश होने के बाद क्या करना है आपको माउस बटन रिलीज कर देना है. तो इस देख सकते हैं आप इस पिक्चर में
किस तरीके से वेवी लाइन बन गई है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड स्टेप में किस तरीके से लाइन है और फोर्थ नंबर में कैसे वेवी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इसे कर्व और वेवी लाइंस बनाने के लिए। ओके, कलर पिकर टूल। द कलर पिकर टूल इज अ वेरी यूजफुल टूल टू सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, फिलिंग इट इनटू एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स अस टू पिक एग्जैक्टली द सेम कलर यूज इन एनी एरिया ऑफ द ड्रॉइंग। टू यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप शोन बिलो। अब ये क्या है, कलर पिकर टूल किसके लिए यूज होता है? इज वेरी यूजफुल टूल टू सिलेक्ट कलर फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फिलिंग। ऑब्जेक्ट फिलिंग के लिए क्या करता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फिलिंग के लिए एक कलर चूज करने के लिए हेल्पफुल है। ओके, इन टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स अस टू पिक एग्जैक्टली द सेम कलर चूज करने के लिए। ओके, यूज इन एनी एरिया ऑफ द ड्रॉइंग। आप ड्रॉइंग के कोई भी एरिया में इससे कलर फील कर सकते हैं। यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप शोन बिलो। आपको यहाँ पे स्टेप दिए गए, इसको फॉलो करना है। ओके, तो आप किस तरह के यूज करना है वो यहाँ पे जो स्टेप दिए गए हैं वो फॉलो करेंगे तो आप भी उस तरीके से ड्राइंग में कलर फील कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल इन द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जाके क्या करना है आपको, कलर पिकर टूल सिलेक्ट करना है। ओके, फिर उसका सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द कलर इन द पिक्चर दैट यू वांट टू सेट एज कलर वन। द कलर इन टू कलर वन ऑप्शन चेंज टू कलर पिक्ड। आपको क्या करना है, क्लिक करना है जो आपको कलर आप चूज कर रहे थे, कलर इन द पिक्चर दैट यू वांट। आप जो भी कलर चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर आपको द कलर ऑप्शन चेंज टू कलर पिक्ड। तो हम जैसे जो कलर हम चाहते हैं हमने सिलेक्ट किया, फिर वो कलर क्या होता है, वो ड्राइंग में पेस्ट होने के बाद क्या होती है, ड्राइंग उस कलर की हो जाती है। ओके, फिर हम ड्राइंग में इस तरीके से कलर फील कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द फील विथ कलर टूल एंड क्लिक ऑन अनदर क्लोज पार्ट टू द पिक्चर टू फील द सिलेक्टेड कलर। आपको क्या करना है, आपने जो फील किया वही कलर आपको दूसरी ड्राइंग में भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो सिलेक्ट किया कलर है ना उसको क्लिक करना है और अनदर जो उसके क्लोज पार्ट में जो ड्राइंग है उसके अंदर आपको पिक्चर में वो कलर सिलेक्ट किया हुआ पेस्ट करना है। ओके, क्लिक करना है, क्लिक करोगे उस पर तो वो अपने जो सिलेक्टेड कलर था वो उसमें फील हो जाएगा। ओके, आपकी ड्राइंग में फील हो जाएगा सिलेक्टेड कलर। नेक्स्ट है मैग्नीफायर टूल। द मैग्नीफायर टूल इज यूज टू जूम इन मेक अपियर लार्जर और मैग्नीफाई अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। टू यूज द मैग्नीफायर टूल फॉलो द स्टेप शोन बिलो। आप मैग्नीफायर टूल किसके लिए यूज होता है, तो मैग्नीफायर टूल इसके लिए यूज होता है जूम करने के लिए। ओके, आपको पिक्चर छोटा दिख रहा है तो उसको बड़ा करने के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे, मैग्नीफायर टूल यूज करोगे तो क्या होगा, पिक्चर सा जूम हो जाएगा। ओके, तो जो पार्ट सिलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, तो उसके लिए मैग्नीफायर टूल का यूज किया जाता है। अब उसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द मैग्नीफायर टूल इन द टूल ग्रुप। टूल ग्रुप में जाके आपको मैग्नीफायर टूल सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड है ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। द मैग्नीफायर टूल शोज अ रेक्टेंगल अराउंड एंड क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर। आप पार्ट का कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करना हो जो पार्ट आपको जूम करना है। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर जैसा बन जाएगा। जहाँ पे आप पॉइंटर करोगे कि आपको जूम करना है, कर्सर करोगे तो वहाँ पे क्या स्क्वायर जैसा बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर विथ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स जूम्ड इन द ड्राइंग एरिया। जो रेक्टेंगल किया गया, रेक्टेंगल वाला दिखता है ना, तो उस पर मैग्नीफायर टूल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो रेक्टेंगल जो दिखाया गया था ना वो पार्ट क्या हो जाएगा, एकदम जूम हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही पार्ट जूम होगा। ओके, बड़ा दिखेगा। और रिमेंबर, याद रखना, अगर आप राइट क्लिक ऑन द पिक्चर टू द रिटर्न द नॉर्मल साइज ऑफ द पिक्चर। अगर वो जूम तो हो गया, अब उसको नॉर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करोगे तो पिक्चर कैसा हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, छोटा हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है यूजिंग टेक्स्ट टूल. द टेक्स्ट टूल इज यूज फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ पिक्चर. वेरियस स्टेप्स टू यूज दिस टूल आर शोन बिलो. अब ये इन टेक्स्ट टूल क्या है? टेक्स्ट टूल किसके लिए यूज किया जाता है? इंसर्टिंग टेक्स्ट इन पिक्चर. पिक्चर के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए, ओके, कुछ भी टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल का यूज किया जाता है. ओके, तब इसको कैसे यूज करते हैं? क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. होम टैब में क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर सिलेक्ट किया है ए पे. ओके, ये क्या है? टेक्स्ट टूल है ए. ए क्या है? टेक्स्ट टूल है. तो वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है, क्लिक द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. फिर नेक्स्ट उसका स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्रॉइंग एरिया एंड क्लिक ऑन द ऑन इट. अ रेक्टेंगल अपीयर्स विथ द कर्सर शेप्ड इट. अब इसमें क्या है? मूव द माउस पॉइंटर टू ड्रॉइंग एरिया. माउस को मूव करना है ड्रॉइंग एरिया पे. ओके, क्लिक ऑन इट. वहाँ पे क्लिक करोगे अ रेक्टेंगल अपीयर विद द कर्सर. कर्सर क्या होगा? रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में दिखेगा आपको. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना आपको, ऐसा है. ओके, ये रेड डॉट वाला रेक्टेंगल शेप दिखेगा. फिर इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आप वहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हो वो टाइप हो जाएगा. देखो उसका थर्ड स्टेप, टाइप द टेक्स्ट माई ड्रॉइंग इनसाइड इट. देखो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो जो भी आप टाइप करोगे वहाँ पे आपको अपियर होगा, दिखाई देगा. ओके, तो इस तरीके से आपको यूजिंग टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हो. ओके, नाम कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी आपको उसके बारे में जो लिखना है वो भी आप टाइप कर सकते हो. ओके, इस तरीके से इस टूल का यूज़ किया जाता है. ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स किस तरीके से हम पेंट में कितने टूल्स होते हैं जो किस और उनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके, अपने ड्राइंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए हम किस तरीके से इसमें कलर फिल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में यहाँ पे एंड होता है. ओके.